जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी सहारनपुर आज लोकसभा सांसद के घर ज्ञापन लेकर पहुंचे। आज जिला कांग्रेस कमेटी व महानगर कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली महानगर कांग्रेस कमेटी महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के नेतृत्व में प्रदीप चौधरी लोकसभा सांसद के आवास पर पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम नए कृषि कानून को तत्काल वापस दिए जाने के संबंध में एक ज्ञापन दिया तथा पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले लंबे समय से किसान ने कृषि कानून को वापस दिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली सहित देश के अन्य राज्यों में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी यह मांग करती है कि नए कृषि बिल वापस लिए जाए ताकि किसान अपने घरों को वापस जा सके। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली, महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, विशाल पंडित, प्रवीण चौधरी, दुष्यंत राणा, सुशील चौधरी, अनुज शर्मा, प्राणनाथ, अमन चौधरी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी और उत्तर प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष विधायक आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मुजफ्फर चौधरी जी और मैं वरुण शर्मा महानगर अध्यक्ष के संयुक्त नेतृत्व में किसान यूथ कांग्रेस और हमारी यूथ कांग्रेस NACY जो कृषि कानून बिल केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है उसके खिलाफ हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार को और द्वारा प्रदीप चौधरी सांसद लोकसभा कैराना जी के माध्यम से एक ज्ञापन आज प्रेषित किया है। हमारी मांग उसमें ये है कि जो नए 3 कृषि बिलों को किसान व देश हित में तुरंत वापस लिया जाए, किसानों की विद्युत विभाग से काटी जा रही RC को तुरंत रोका जाए और किसानों में कृषि ऋण को माफ किए जाए तथा किसानों की कृषि भूमि को एक्वायर करने से रोका जाए। ये जो भाजपा की सरकार केंद्र में बैठी है, किसानों के अन्नदाताओं के खिलाफ जो ये बिल लेकर आई है उसको खत्म करने के लिए आज हमने सांसद महोदय को ज्ञापन दिया। आपको क्या आश्वासन मिला उनसे? आश्वासन ये मिला है कि जो हमारी मांग है वो प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाएगी और जितनी जल्दी ये बिल वापस हो जाएगा उतनी जल्दी देश को भी फायदा रहेगा, क्योंकि अन्नदाता इस समय सड़कों पर है और 22 किसानों की मौत हो चुकी है, वो अपने आप में एक शोचनीय गंभीर विषय है। अगर ये काम नहीं होता तो कांग्रेस सड़कों पर आकर आंदोलन करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसान विरोधी बिल केंद्र सरकार लेकर आई थी उसे वापस लेने के लिए आज हमारे सांसद माननीय प्रदीप चौधरी जी आवास पर आकर हमने इस बिल को वापस लेने की उनसे मांग की और एक ज्ञापन सौंपा। हम लोग चाहते हैं कि माननीय सांसद जी, क्योंकि वो सत्ता पार्टी के सांसद हैं और केंद्र सरकार द्वारा ही ये बिल लाकर पास किया गया था, तो हम अनुरोध करते हैं कि किसानों के हित के लिए कम से कम इस बिल को वापस लेने का सरकार काम करे, क्योंकि किसान सड़कों पर पड़ा है इस ठंड में। तो अगर ये किसान विरोधी बिल नहीं था तो किसान सड़कों पर क्यों है? किसान सड़कों पर इसलिए है कि ये काला कानून किसान के लिए बहुत खतरनाक है और किसान को बर्बाद करने के लिए ये कानून बना गया।